हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाइन स्टडी चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में सेल एंड बैटरी से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जिनका भी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उनके लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि ALP मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है जल्द ही, और भी जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा था। जो सर्वप्रथम सेल बनाया गया था वो कौन सा था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो वोल्टेइक सेल था वो सबसे पहले बनाया गया था, जो इससे सबसे पहले वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, तो इसीलिए इसका नाम वोल्टेइक पड़ा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा एनोड एवं कैथोड के रूप में जस्ता की छड़ तथा तांबे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। एनोड के रूप में जस्ता का छड़ और कैथोड के रूप में तांबे का छड़ प्रयोग किया जाता है। अगर इसका विद्युत वाहक बल की बात करें तो 1.08 वोल्ट होता है। कितना? 1.08 वोल्ट, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है हमारा, वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो जो वोल्टेइक सेल है उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08 वोल्ट। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो डेनियल सेल होता है उसमें प्रयुक्त जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का घोल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो डेनियल सेल है इसकी अगर हम इसकी EMF की बात करें तो 1.1 वोल्ट होता है। इसकी प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो 2 से 6 ओम तक होता है। ये प्रश्न आगे देखने को मिलेगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, लैक्लांसिस सेल में रीढ़ ध्रुव का कार्य कौन करता है। जो लैक्लांसिस सेल होता है उसमें रीढ़ ध्रुव के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, जस्ते की छड़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लैक्लांसिस सेल में रीढ़ ध्रुव का कार्य जस्ते की छड़ करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करता है। तो वो कौन सा कार्य है वो विद्युत बैटरी करता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। रासायनिक क्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्ट उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल से क्या होती है? कम होती है कि अधिक होती है कि बराबर होती है? सही आंसर हो जाएगा हमारा, मरकरी सेल की दक्षता से अधिक होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है। तो मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, बताइए आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मरक्यूरिक ऑक्साइड। मरकरी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? मरक्यूरिक ऑक्साइड करता है। इसमें और महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा, इस सेल के यानी कि मरकरी सेल के विद्युत वाहक बल की बात की जाए 1.35 से 1.4 वोल्ट तक होता है। इसकी व्यास की बात की जाए तो वो 4 mm तथा ऊंचाई 2.5 mm तक का होता है। तो ध्यान रखना, ये जो मरकरी सेल है इसका उपयोग ही हम कलाई घड़ी जो होती है, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त किया जाता है। और जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है, ये हमारा जो दिया सिल्वर ऑक्साइड सेल, इसकी EMF की बात करें यानी कि वोल्ट की बात करें तो 1.5 वोल्ट होता है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है। तो जो लेड एसिड बैटरी होती है उसका जो कंटेनर होता है वो हार्ड रबर का बना होता है। किसका बना होता है? हार्ड रबर का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है। तो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है उसकी इकाई क्या होती है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई इकाई नहीं होती है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी इकाई नहीं होती है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। जो डेनियल सेल होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? हमारा राइट आंसर होगा 2 से 6 ओम होता है। ऑप्शन सी, डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 2 से 6 ओम। अगर इसकी EMF की बात की जाए तो 1.1 वोल्ट होता है, तो ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है कितना होता है,
1.1 वोल्ट अगर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछ दे, तो कॉपर सल्फेट का हमने भी डिस्कस किया, CuSO4 का, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल की ज़रूरत होती है, तो हमने इसे डिस्कस कराया अभी कुछ देर पहले ही। पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल का उपयोग करा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मरकरी सेल का, ऑप्शन डी। ध्यान रखना, मरकरी सेल के बारे में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताना चाहूँगा। इस सेल का विद्युत वाहक बल हम जानते हैं 1.35 से 1.4 वोल्ट तक होता है। इसका उपयोग कलाई घड़ी पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, चार्जिंग क्या है, तो चार्जिंग क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हमारा, किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना, ध्यान रखना डीसी से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एसी से नहीं, एसी करोगे तो गलत हो जाएगा, केवल डीसी में ही जोड़ा जाता है चार्जिंग के समय, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है, तो जब भी हम बैटरी चार्ज करते हैं तो उस समय केवल डीसी स्रोत की ही आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन क्षारीय सेल है, तो कौन सा एक क्षारीय सेल है दोस्तों, ऑप्शन दे रखे आपके सामने, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, निकिल कैडमियम सेल, निकिल जो कैडमियम सेल है यह एक प्रकार का क्षारीय सेल है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, कैडमियम धातु प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ कितना होता है, जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होती है उसकी ईएमएफ की बात की जाए तो 1.5 वोल्ट होता है, कितना, 1.5 वोल्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर हम दक्षता की बात करें तो यह मरकरी सेल की अपेक्षा महंगा होता है, जो मरकरी सेल होता है उसकी अपेक्षा महंगा होता है, परंतु इसकी दक्षता जो होती है वो ऊँच होती है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल होगा, जो प्राथमिक सेल होता है उसकी अपेक्षा द्वितीय सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो अधिक होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया दोस्तों, जो प्राथमिक सेल होती है इसे हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये यूजलेस हो जाता है, ठीक है, अनुत्क्रमणीय हो जाता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुत्क्रमणीय हो जाता है, जबकि लेड एसिड या फिर द्वितीय सेल होता है इसे हम दोबारा चार्ज करके उपयोग ला सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है, जो शुष्क सेल है वो लैकलांसी सेल का संशोधित रूप है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लैकलांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, जो लैकलांसी सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग होता है, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl प्रयोग होता है, कौन क्या प्रयोग होता है, NH4Cl, ध्यान रखना NH4Cl, शुष्क सेल में लैकलांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनिया क्लोराइड प्रयोग होता है, ध्यान रखना ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में बटन सेल किसे कहते हैं, तो निम्न में से बटन सेल किसे कहा जाता है दोस्तों, मरकरी सेल को बटन सेल भी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल दर्शाता है, तो वो कौन सा है जो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल दर्शाता है, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.4 वोल्ट होता है, निम्न में से कौन शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है दोस्तों, तो 1.5 वोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी राशि अधिक मिलेगी अगर सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो वो कौन सी राशि है जो अधिक मिलेगी अगर सेल जो होता है उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन सी होगा सही, धारा जो है वो अधिक मिलेगी, जबकि श्रेणी समूह में जोड़ने पर विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्ट ज़्यादा प्राप्त होगा, और अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वो धारा ज़्यादा प्राप्त होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या होगा अगर चार्ज करते समय
बैटरी कनेक्शन गलत हो जाए। तो जब भी बैटरी कनेक्शन जो है वो गलत हो जाएगा तो करंट बहुत ज़्यादा लगेगी दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बैटरी की दोनों प्लेटें क्या बन जाती है यदि बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। तो बैटरी की दोनों जो प्लेट होती है वो क्या बन जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लेड सल्फेट बन जाता है। बैटरी की दोनों प्लेटें जब डिस्चार्ज हो जाती हैं तो वो लेड सल्फेट बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही होता है। लेड सल्फेट की अगर फॉर्मूले की बात करें, रासायनिक सूत्र की, तो PbSO4 होता है। कितना? PbSO4। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है हमारा, किस कारणवश लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर लगाया जाता है। तो किस कारणवश लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर लगाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, आंतरिक शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल्स को कैसे संयोजित करें ताकि एम्पियर क्षमता बढ़े। एम्पियर क्षमता यानी कि धारा की मात्रा को बढ़ाने के लिए सेल को कैसे संयोजित करना चाहिए। हमने इसे पूरे डिटेल में डिस्कस किया अभी, तो समांतर क्रम में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ होता है। तो लेड एसिड में कौन सा सक्रिय पदार्थ होता है दोस्तों। तो हमारा तनु, गंध, काम, बिल्कुल सही। बी में दे रखा है स्पंजी लेड, ये भी होगा। सी दे रखा है लेड पैराऑक्साइड, ये भी सही होगा। और डी में दे रखा है ये सभी, यानी कि ये सभी लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में किसमें बैटरी की क्षमता मापी जाती है। तो बैटरी क्षमता एम्पियर घंटा में मापा जाता है। किसमें? एम्पियर घंटा में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रूप में ऊर्जा लेड एसिड बैटरी को चार्ज करें। किस रूप में ऊर्जा जो होती है वो लेड एसिड बैटरी को चार्ज करती है। आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अगला जो प्रश्न है, धन प्लेट क्या बन जाएगा यदि बैटरी को चार्ज किया जाए। जो धन प्लेट है वो क्या बन जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा लेड पैराऑक्साइड। जब धन प्लेट क्या बन जाएगा बैटरी चार्ज करने पर, लेड पैराऑक्साइड। लेड पैराऑक्साइड की अगर फार्मूले की बात करें, रासायनिक फार्मूले की बात करें, तो वो क्या होता है दोस्तों, PbO2, PbO2 होता है। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है हमारा, बैटरी के धन प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो जाती है। तो बैटरी का धन जो प्लेट होगा वो, उसका रंग क्या हो जाएगा जब बैटरी बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैटरी के धन प्लेट का रंग चॉकलेटी हो जाएगा जब भी बैटरी पूर्णतः चार्ज हो जाएगी। अगला प्रश्न आता है, बैटरी के रीड प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो। तो जो रीड प्लेट होगी वो स्लेटी कलर की हो जाएगी, स्लेटी कलर की। ऑप्शन बी सही होगा। अगला नंबर आता है हमारा, निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है। बैटरी क्षमता कौन व्यक्त करता है, एम्पियर घंटा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। तो बैटरी क्षमता किस पर निर्भर करती है, डिस्चार्ज की दर पर। ऑप्शन ए सही होगा। बैटरी की जो क्षमता है डिस्चार्ज की दर पर, जो बैटरी जितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा उसकी क्षमता उतनी कम होगी, और जो बैटरी जितनी देर से डिस्चार्ज होगा उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारे यहीं पर 40 लगभग 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीशियन और भी जो भी है उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपके आने वाले ALP और भी जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होने, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी दबा लीजिए, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चली जाए। थैंक यू।